सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले है, प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। शक्ति है नारी जो करता है।
पहलू कहानी बन जाते हैं, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती है। प्यार सुलता के शाहों से ऊंचा जो सिर्फ प्यार आए जो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में
आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आप सभी तालियां बजाएंगे, तालियां बजाने की तंदुरुस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ भाषण सुनने नहीं आए हैं, आपस में बातचीत करने के लिए आए हैं। मंचा से हमारे सम्माननीय सभी अतिथियों का भी बाबा के घर में ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। तो शुरुआत में हम सभी 2 मिनट पहले साइलेंस की ओर चलते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पहले हम सभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रेड लाइट करेंगे और पीछे स्वागत सम्मान भी बहुत साइलेंस में होता रहेगा। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। आपके हाथ में जो कुछ भी है सब नीचे रखिए। शरीर की कर्मेंद्रियों को ढीला छोड़ेंगे। आंखें स्वाभाविक रूप से बंद। अपने श्वासों की गति पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे श्वास बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं। मेरे मन में उठने वाले सभी संकल्प शांत होते जा रहे हैं। पवित्र वातावरण की सुखद शांति को मैं महसूस कर रही हूं। मैं संपूर्ण रूप से तन एवं मन से इसी हॉल में हूं। चलते हैं वापिस पुनः जहां से हम आए हैं, अपने घर। अपने घर को देखिए। घर के सभी सदस्यों को देखिए। मैं अपने वैसा देखने की कोशिश कीजिए। कैसा माहौल, रिश्ते, प्यार, जो भी देखना चाहिए। मेरा घर, मेरे सपनों का घर, मेरा अपना घर, मेरा प्यारा घर। अब ऐसा घर जो अभी तो क्या कारण है, और यदि मैं ऐसा सपनों का घर बनाना चाहती हूँ तो इसमें मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए।
बहुत गहराई में जाएंगे। मुझे क्या करना है, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। भाई लाइट एक बहन स्टेज में आई थी, कोई भी एक बहन स्टेज में ओम शांति। तो हम सभी ने अपने सपनों का घर देखा, देखा सभी ने, हाथ खड़ा कर सभी ने देखा। सभी चाहते हैं कि ऐसा घर हमारा हो जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। तो ये बातें आज क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल आप सभी मातृशक्तियों का है। तो यही चर्चा करने हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी आप सभी को सम्मान के समय तिलक लगाया और हाथ में एक वरदान का कार्ड मिला है। देखिए सभी ने, आप सभी को भी मिला है। तो उसमें कोई ना कोई शक्ति लिखी हो, देखिए आप सभी अपनी शक्ति को देखें। तो शक्ति क्या है इसको भी हम समझेंगे और उस शक्ति को अभी और उस शक्ति को आज वो आपकी स्पेशलाइजेशन बन जाएगी। आप उसमें विशेषज्ञ बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो वैसे हमारी अष्ट शक्तियां हैं, माँ दुर्गा को अष्ट भुजा हमारी दिखाती है, तो ये शक्तियों का प्रतीक है। तो अंत में आप सभी को वो अष्ट शक्तियां भी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को नहीं पता है। लेकिन अभी जो आप सभी के हाथ में मिली है ये आपकी स्पेशल क्वालिटी है, शक्ति है, जिसे आपको स्पेशली ध्यान देना है। और उस चित्र में, उस कार्ड में आप सभी देखेंगे मस्तक के मध्य में एक लाइट चमक रही है और लाइट आत्मा है, शक्ति है। और इसीलिए वो शक्ति का तिलक आप सभी को लगाया गया। आज सुबह जब हम उठते हैं तो तैयार होते ही पहले हम यही तिलक लगाते हैं, खास माताएं लगाते हैं। ये इसीलिए ही लगाया जाता है अपने स्वस्वरूप शक्ति स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए। तो जैसे आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने बैठे हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो सिर्फ महिला सशक्तिकरण चाहिए कि भाइयों का भी सशक्तिकरण जरूरी है, दोनों का चाहिए? तो वैसे देखा जाए तो ये शब्द भी लाइन भी गलत, क्योंकि सशक्तिकरण आत्मा का है, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वयं का सशक्तिकरण करना है, क्योंकि ये नर और नारी का चोला। हर जन्म में हमें कभी नर कभी नारी अलग अलग चोला मिला है। तो ओरिजिनल रूप में हम सभी एक शक्ति है, लाइट है, प्रकाश है। और उस लाइट स्वरूप की जागृति जब हमारे अंदर आएगी, तो आपके हाथ में जो शक्ति आपको मिली है, कार्ड जो मिला है, ये शक्ति आपके अंदर सहज रूप से धारण हो जाएगी, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी है। एक बहुत निर्धन व्यक्ति था, बहुत दुखी रहता था, रोते रहता था, और उसके पास जो कुछ भी बचा कुचा था वो भी सारा चला गया और ज्यादा निर्धन हो गया। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और एक दिन उस टुकड़े के ऊपर वो जमीन के ऊपर खड़ा हुआ और भगवान से कहने लगा कि भगवान अब मैं जीकर करूंगा क्या, मेरे पास तो इस जमीन के छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं। और ये भी जमीन ऐसी है जो बंजर, इसमें कुछ भी
उग नहीं सकता है, तो मैं क्या करूंगा जीकर। तो ये वो रो ही रहा था, भगवान से शिकायत कर ही रहा था कि उसी समय कुछ रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स वहां पर पहुंचे और पूछते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा किसका है। तो बोले मेरा है। तो बोले ये जमीन का टुकड़ा हमें चाहिए और इसके बदले में हम आपको लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि इसके नीचे बहुत सारा तेल है, बहुत तेल है इसके नीचे, बंजर जमीन थी वो, और इसके हम आपको लाखों रुपए देंगे। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पहले से ही इतना धनवान था, लेकिन उसको पता नहीं था। सेम कंडीशन हम सबकी, हमारे अंदर वो ऑलरेडी सर्वशक्तियां हैं, सिर्फ इस कलयुग के वातावरण के प्रभाव में ये शक्तियां जैसे मर्ज हो गई, दब गई, और उन्हें अब हमें क्या करना है, इमर्ज करना है। तो सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिनको जिनको ये शक्ति मिली है हाथ खड़ा करेंगे। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हाथ खड़ा करेंगे एक बार। जैसे कछुआ, जब भी कोई डेंजर आता है, परिस्थिति, तो अपने शेल के अंदर चला जाता है और अंदर में जाकर वो सुरक्षित होता है। और अंदर इसलिए जाता है क्योंकि अंदर में जाकर अपने आप को उस परिस्थिति को फेस करने के लिए वो तैयार करता है। तो हम सभी के सामने भी जब कोई डेंजर आए, कोई परिस्थिति आए, तो हम डायरेक्ट सामना करने युद्ध के मैदान में न उतरे, क्योंकि फिर हम क्या कहते हैं, बिना तैयारी से हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं और फिर क्या कहते हैं, बात ही ऐसी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, परिस्थिति ही ऐसी थी इसलिए मेरे को रोना आ गया, इसलिए मैं डर गई। क्यों? हम बिना तैयारी से। तो पहले हमें अंदर में, जैसे कछुआ अपने अंदर में चला जाता है, समेट लेता है अपना, अंडरग्राउंड हो जाता है। तो कोई भी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आए तो हम भी क्या हो जाए, पहले अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन अंडरग्राउंड होने के लिए सबसे पहले आप सभी को मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, तभी ये शक्तियां आ सकती। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसके बिना इतना सहज नहीं है अपने अंदर में चले जाना और मन को शांत करना और उसके बाद उस परिस्थिति को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो उसके लिए मेडिटेशन से, जब हम उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं और ये शक्ति हम अपने अंदर में धारण कर सकते हैं। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति किसको किसको मिली है, हाथ खड़ा करेंगे। समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति, कोई बात जब हमारे जीवन में आती है, बात आई और चली गई, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे शोर चलते रहता है, आवाज चलते रहते, स्टॉप नहीं होता है, ओवरलोड हो जाता है यहाँ पर। तो समेटना है मेरा, जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं, काम की चीजें रखते हैं, वेस्ट चीजें फेंकते हैं, हल्का करते हैं घर। तो हमें अपने दिमाग को भी क्या करना है, हल्का करते जाना है। काम की चीजें रखते जाओ, जो जरूरी है वही दिमाग में रखो, जो बिना काम की चीजें हैं वेस्ट हटाते जाओ, यहाँ बहुत लाइट होते जाओ, हटाते जाओ, अपने आप को समेटते जाओ। जिनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है, लेन देन है, किसी का कोई कर्जा लिया हुआ है, चाहे धन वस्तु का हो चाहे व्यवहार के रूप में, किसी को हमने दुख दिया है, तो ये सारे कर्जे चुप्पू कर दीजिए, क्योंकि जब अंत समय आता है तो समेटने के लिए टाइम मिलता है, समेटने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और बिना समेटे ही जाना पड़ता है।
और जब बिना समेटे जाते हैं दूसरे के यहाँ जब पैदा होते हैं और जब उसकी जन्म कुंडली बनती है तो फिर उसमें क्या बताते हैं कि इनके जीवन में ये ग्रह भारी है, ये भारी है इनके साथ। तो अभी तो पैदा ही हुआ है, कुछ किया ही नहीं, ऐसे कैसे अभी इसे भारी है। पूर्व जन्म का वो भारीपन जो कर्जा वो लेकर वो आगे गया और वही कहते कि उसके लिए भारी है। किसी के लिए कहेंगे सारे साथी हैं, किसी के लिए कहेंगे शनि है, राहु है, ये है, वो पूर्व जन्म का भारी है। तो इसीलिए वो भारी हमको अगले जन्म में लेकर नहीं जाना। तो इसी जन्म में हमको क्या करना है, जितना हो सके चुप्पू करते जाना है, अपने आप को मन से संकल्पों से समेटते जाना है। कोई भी बात हो उसको छोटा करते जाना है, बात को बहुत बड़ा नहीं करना है, बात को एकदम समेटते जाने, कम से कम संकल्प, कम से कम गोल में अपना काम करने की कोशिश हमें करते जाना है। फिर तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति। हाथ खड़ा करेंगे जिनको समाने की शक्ति, बहुत लोगों को मिली समाने की शक्ति। परिवार में रहते हुए ये शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी आत्माएं जिनके साथ हम रहते हैं घर परिवार में, ये जन्म जन्मांतर से अनेकों शरीरों में ट्रेवल करते हुए यहाँ आए। अभी वो हमारे साथ पाठ बजा रहे हैं, लेकिन वो कई जन्मों से कईयों के साथ पाठ बजाते आए हैं और उनके साथ पाठ बजाते 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 कई संस्कार वो लेकर आई है अपने साथ, कई कमी कमजोरियां भी साथ में उठाकर लाई है। अभी इस जन्म में जब वो हमारे साथ है तो अब हमें उनको एक्सेप्ट करके चलना है। हमें उनकी कमी कमजोरी नहीं इधर उधर फैलाना नहीं, समाना है, अपना ही परिवार है, अपने ही लोग हैं। तो हरेक की बात को हमें क्या करना है, समाने जाना है, हरेक को एक्सेप्ट करते जाना है और यही बस अंदर से उनको दुआएं देते जाना है कि हमारी आपके प्रति बहुत शुभ कामना है, शुभ भावना है कि आप अच्छे हो और आप आगे बढ़ते हो। तो जब हमारी उनके प्रति शुभ भावना निकलती रहेगी तो उनका वो जो संस्कार जो कड़ा बना है ना, जो पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, तो उस संस्कार से मुक्त होने में उनको मदद मिलती जाएगी। और इसके विपरीत यदि हम उनको ये कहेंगे कि ये तो ये काम करते ही नहीं है, ठीक नहीं है, तो ऐसे है वैसे, बस पूरा समय उनको नेगेटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे तो उनका वो नेगेटिव संस्कार और नेगेटिव कड़ा होता जाए और बिगड़ता जाए। और इसीलिए हमें उनको एक्सेप्ट करना है और उनको अच्छे वाइब्रेशन, अच्छा सोच उनको देते जाना है। चौथी शक्ति है सहन करने की शक्ति, जिनको मिली है सहन करने की शक्ति, ये बहुत पावरफुल शक्ति है। घर परिवार में रहते हैं हम, हरेक की बात को सहन करना पड़ता है, सहन भी करते जाते हैं और इधर रोते भी जाते हैं, अंदर में तो खिले होते जाते हैं कि सहन कर रहे, कितना सहन करेंगे, अंदर में दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कईयों को इंजेक्शन का दर्द ज्यादा नहीं होता है, तो कहते हैं कि इनके अंदर इस दर्द को सहन करने की शक्ति ज्यादा है। और कोई ऐसे होते हैं जो इतना समय सुई अभी टच ही नहीं किए तो कितना डर जाते हैं, मतलब वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कई आत्माएं जो अंदर से बहुत पावरफुल है तो वो बाहर में कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आती है लेकिन वो सहन कर लेते हैं, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस बात को, उस नुकसान को सहन कर लेते हैं। और कई इतने नाजुक होते हैं जिनको हम कहते हैं टच मी नॉट, कुछ बोलो ही नहीं, बस आप देखेंगे और शुरू हो जाता है, मतलब सहन नहीं होता। कारण इम्यूनिटी अंदर की डाउन हो गई, इसलिए
बाहर की परिस्थिति सहल नहीं हो रही, तो अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर कहेंगे आपको फिजिकल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, मौसम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को अंदर से सशक्त बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आज के समय में सभी डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि आप मेडिटेशन करो। कहते हैं डॉक्टर्स, एक भाई हमारे पास आए सेंटर, उन्होंने कहा कि बहन जी मैं पूरा भारत, बोले मैं कहाँ, पहले बॉम्बे गए बॉम्बे के डॉक्टरों के पास, फिर उधर साउथ तरफ बेंगलोर मेरे कहाँ का है वहाँ पर डॉक्टरों के पास गया, मेरे को सभी तरफ से डॉक्टरों ने यही कहा आप ब्रह्मा कुमारी में जाओ आपका वही इलाज होगा। सब डॉक्टरों ने मुझे यही कहा, इसलिए मैं यहाँ आया, आपको फिर फायदा भी हुआ, क्योंकि जो मेडिटेशन है उसकी जो सही विधि है प्रॉपर, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये चार शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है, और ये चार शक्तियां जब हम धारण करेंगे तो अन्य चार शक्तियां हमारे अंदर में आती जाएगी, फिर उसमें पांचवी शक्ति है जो अन्य शक्ति आती जाएगी वो है परखने की शक्ति, जिनको मिली है परखने की शक्ति वो हाथ परखने की शक्ति परखना, क्योंकि आज हम इस कलियुग में रहते हैं जहां पर चकाचौंध है, चाहे व्यवहार हो चाहे वस्तु हो, सब में क्या है दो क्वालिटी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, नकली ज्यादा है, और क्या यही कहते हैं कलियुग में नकली ही बिकता है, यहाँ पर असली की कोई वैल्यू नहीं। तो व्यवहार में इतना मीठा ऊपर से बाद में कुछ, और अंदर में पूरा कड़वा, जैसे आप चीजें हैं बाहर से बहुत सुंदर और अंदर से कोई ताकत ही नहीं है उसकी, ऐसे ही है। तो ऐसे समय पर कैसे परखे कि कौन क्या है, सही है गलत है, धोखा नहीं खाना चाहिए, कैसे परखे? तो जब ये पहली वाली चार शक्तियां धारण होगी और यहाँ पर सफाई हो जाएगी, यहाँ पर समेटाया हुआ होगा, यहाँ कोई कचरा नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पर जब क्लैरिटी आएगी तो सामने वाली जो आत्मा है उसको भी हम क्लियर, उसके वाइब्रेशन को समझ पाएंगे, या जिस वातावरण में हम जाएंगे उस वातावरण को भी आप परख सकेंगे, क्योंकि वातावरण को भी परखना जरूरी। बाद में कहेंगे अरे हम तो समझ नहीं पाए थे ऐसा वातावरण है यहाँ पर, तो वातावरण को भी परखना पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति के वाइब्रेशन को भी परखना पड़ता है, और खासकर हमारी माताएं के लिए बैठी है, कई फील्ड में जॉब भी करती है, तो इसीलिए ये सब परखना बहुत जरूरी है। तो परखने की शक्ति भी मेडिटेशन से आएगी, परखने के बाद आएगी निर्णय करने की, डिसीजन का पूरा जीवन बीत जाता है और डिसीजन पेंडिंग, डिसीजन ही नहीं हो पाता है, डिसीजन ही नहीं कर पा रही, पूरा समय दूसरों को पूछते रहते क्या करूं मैं बताओ, समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा शोर है अंदर में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम कोई डिसीजन ही नहीं कर पा रहे। और इसलिए यहाँ पर पहले शांति एकाग्रता स्थिरता होना बहुत जरूरी है, और जब हम प्रतिदिन ज्ञान की कुछ अच्छी अच्छी बातें सुने, थोड़ी सी भी बातें यदि हम सुनते हैं तो हमें उसका बहुत फायदा होगा, हमारे मन को शांत करने में और परिस्थितियों को फेस करने में, चाहे मेडिटेशन का अभ्यास करें, डायरेक्ट मेडिटेशन कोई भी नहीं कर सकता है, जैसे एक्सरसाइज भी करना है तो पहले क्या चाहिए, हेल्दी फूड, तभी तो कर सकेंगे, नहीं तो चक्कर आके गिर जाएंगे। तो ऐसे ही मेडिटेशन मेंटली एक्सरसाइज है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पहले पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव के साथ
पावरफुल थिंकिंग। तो वो थिंकिंग जब हम रोज सुनेंगे तब वो हमारे अंदर आएगी और तब ये शक्तियाँ फिर हमारे अंदर में आती जाएगी। फिर शक्ति है सातवीं, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो विपरीत है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो आपको उसका सामना करना पड़े, उस समय आपको शक्ति बनना पड़े। भले दुनिया कहती है कि जो नारी है, माताएं हैं, उनको बहुत कमजोर होती है, कोमल होती है, जब वो पैदा होती है तो उनको माता पिता का सहारा चाहिए, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको पति का सहारा चाहिए, फिर एजेड अवस्था में बच्चे का सहारा चाहिए। चाहिए लोगों ने तो ये कहा है, क्या आप मानते हैं इस बात को? चाहिए नहीं चाहिए ना, खुद सशक्त बन गए। आजकल की माताएं रियल में बहुत पावरफुल है, तो पहले से कहते हैं हम बहन जी किसी से अपेक्षा नहीं करते, अपने बेटे बहू से भी अपेक्षा नहीं करते, हम खुद ही इतने सशक्त हैं, हम उनको संभालेंगे, वो हमको क्या संभालेंगे। ऐसी पावरफुल भी माता है। तो परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, पहले से हम इतने पावरफुल बन जाए कि सामने वाला हमको कभी कमजोर न देखे। क्योंकि आप यदि अपनी कमजोरी सामने वाले को दिखाएंगे तो सामने वाला भी फिर आपको और कमजोर करेगा। इसलिए पावरफुल बनना है और परिस्थिति को फेस करना है, सामना करना है। लास्ट शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। हम सभी के अंदर ये संस्कार है, एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के घर में जाकर कभी किसी समय में कहते ठीक है हम आएंगे आपके घर, हेल्प करेंगे, कोई चीज़ों की हेल्प करते, कोई समय की हेल्प करते हैं, कोई अपनी योग्यता की हेल्प करते हैं। लेकिन आज के समय सबसे बड़ी मदद कौन सी चाहिए? शांति की चाहिए, प्रेम की चाहिए, खुशी की चाहिए। और ये मदद आज नहीं मिल रही। एक बहन आई हमारे पास सेंटर में, इतना जोर जोर से, क्योंकि कई दिनों के बाद वो घर से बाहर निकली थी, तो बहुत जोर जोर से तेज आवाज में बोल रही थी, रो भी रही थी और अपना दुख भी सुना रही थी। और फिर क्या कहते, आप सुन रहे हो ना तो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई तो मेरा सुन रहा है। मना उसने कहा, मैंने इतनी सहेलियों को फोन किया, कोई मेरे बात सुनने के तैयार, और मेरे को सुनाना जरूरी है, मैं नहीं सुनाऊंगी तो मैं कैसे रहूंगी, मैं तो इतना अंदर से भारी हूँ। तो आज के समय में ये भी सहयोग चाहिए ना, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो ये सहयोग हमें एक दूसरे से नहीं मिलने वाला है, आप एक दूसरे से अपेक्षा मत करो, बल्कि और आपको दुख ही मिलेगा किसी से सहयोग लेने जाएंगे। सबसे बड़ा सहयोग देने वाला वो स्वयं सुप्रीम पावर परमात्मा है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर हाउस के साथ होता है, और जब कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, अभी जो परमात्मा के महावाक्य जो चल रहे हैं, जो रोज हम मुरली के रूप में सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात अभी परमात्मा के उसमें चल रही है। परमात्मा यही कह रहे कि आप यदि मुझे याद करेंगे तो मैं आपको करेंट दूंगा, माना सकाश दूंगा, अपनी शक्तियां दूंगा, आपको मदद करूंगा। तो स्वयं भगवान हमें अभी मदद देने के लिए आए हैं, हमें सिर्फ उनकी मदद लेने के पात्र बने, योग्य बने। तो ये अष्ट शक्तियां आज के इस विशेष दिन पर आप सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा से ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा अभी पर आप सभी उठकर भी कर सकते हैं, आपके पास एक जैसी आठ शक्तियां हैं, तो अपनी एक शक्ति दे दो, उनकी शक्ति ले दो, आप लोगों से लेना है, आप एक शक्ति को रखना है, और जिनका सबसे पहले आठ शक्तियां हो जाएंगी उनको यह प्राइज मिलेगा। Thank you.
मिशन मंगलम ओम मंगलम मिशन मंगलम ओम मंगलम मिशन मंगलम मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है ओम मंगलम मिशन मंगलम मंजिल दूर 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 है मुश्किल पास है फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3 2 1 बूम दिल में मार्स है करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा चांस है 3 2 1 बूम दिल में मार्स है ओ दिल में मार्स है ओम शांति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने एंजॉय किया आज बहुत अच्छे से गेम को खेला भी तो हम अकेले रहेंगे तो हम अष्ट शक्तियों को धारण नहीं कर सकेंगे हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है और परिवार में हमारे जितने सदस्य सभी के अंदर अलग अलग शक्ति है उनकी शक्ति को परखना है उसको लेना है अपने लेना है लेन और देन करना है तब अष्ट शक्तियां सभी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी और हमारा परिवार सुखी और खुशहाल हमारा जीवन भी खुश और शक्तिशाली सकारात्मक बन जाएगा तो आज के इस दिवस पर आप सभी को बहुत 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 बधाई हो बधाई हो बधाई हो संक्षिप्त घोषणा शुभकामना संदेश की ओर चलते हैं मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी हमारे बीच सकल जैन समाज कल्प तरु कल्पनिक सकल जैन समाज के अध्यक्ष माननीय बहन रूपा जैन जी सागर उपस्थित हैं मैं उन्हें अपने शुभकामना संदेश के लिए सागर आमंत्रित कर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जो सकारात्मक परिवर्तन के लिए जो सुंदर पहल की गई है उसके लिए मैं आपको बहुत ही अनुमोदित करती हूँ मैं ब्रह्म कुमारी का आभार व्यक्त करती हूँ उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच अपने विचार रख सकूँ आपके बीच मुझे स्थान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति के इस पर्व पर इस मंच को सुशोभित कर रही सभी शक्ति की प्रतीक महिलाओं को मेरा प्रणाम मैं नारी हूँ मैं स्त्री हूँ मैं कली हूँ फुलवारी हूँ मैं स्त्री हूँ मैं नारी हूँ मैं कली हूँ फुलवारी हूँ मैं बेटी हूँ मैं माता हूँ मैं बलिदान की गाथा हूँ सबसे पहले प्रश्न करो उन माताओं को जाकर सबसे पहले प्रश्न करो उन माताओं को जाकर रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर
बेटे को दी आजादी, बेटे को दी आजादी उतनी बेटी को क्यों देना, दोनों को ही एक सा रखकर क्यों ना सिखाया जीना, क्यों ना सिखाया जीना। अब समय आ गया है इस परिवर्तन का, एक सवाल उठाने का, क्या यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं इस मुहिम में मेरा साथ दे सकती हैं? आज मुझे जो शक्ति का पत्र यहाँ प्राप्त हुआ वो था निर्णय की शक्ति। उसी शक्ति से मैं एक निर्णय लेती हूँ कि आज से मैं अपनी बेटी से एक बात जरूर कहूंगी कि चाहे जैसे भी हो हालात बेटा, चाहे जैसे भी हो हालात, सुनेंगे बेटी के मन की सारी बात। क्या आप सब इस बात से अपना योगदान देती हैं कि आज से हम अपनी बेटी से ये जरूर कहेंगे कि बेटा चाहे जैसे भी हो हालात, सुनेंगे अपनी बेटी के हर मन की बात? क्यों? आप सबसे मैं ये प्रश्न करती हूँ कि क्यों जब बेटी अपने को अपने सपनों को पूरा करने की बात कहती है तो हम उसे यह कहकर रोक देते हैं कि बेटा समाज क्या कहेगा? क्यों बेटी जब अपने जिद को, अपनी मांगों को पूरा करने की बात कहती है तो उसे यह कहकर रोक देते हैं कि बेटा जिद्दी मत बनो? क्यों बेटी जब पढ़ने की चाह रखती है तो उसे यह कहकर समझा दिया जाता है कि बेटा इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, ससुराल जाकर घर ही तो संभालना है? पर अब बस, अब यह बदलाव लाना होगा, यह परिवर्तन लाना होगा। अब बेटे और बेटियों में फर्क ना किया जाएगा ये बात समाज को, इस जग को, इस युग को समझाना होगा। आज यहाँ उपस्थित महिलाओं से मैं पूछती हूँ, क्या हम घर जाकर ये बात कहेंगे अपनी बेटी से कि हर दिन एक नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कह के जाएगा, यह करो वह मत करो, जोर से मत कहो, जरा धीरे चलो, दुनिया वाले तुमको डराएंगे ही, अपने सवालों के पिटारे तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, पर तुम अपने सपनों की दुनिया को डगमगाने देना नहीं, पर तुम अपने सपनों की दुनिया को डगमगाने देना नहीं, बस इतना याद रखना मेरी बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना याद रखना, चाहे जैसे भी हो हालात मैं सुनूंगी तुम्हारा साथ, चाहे जैसे भी हो हालात मैं सुनूंगी तुम्हारे मन की बात। तो क्या यहाँ उपस्थित बहनों से मैं यह अपेक्षा कर सकती हूँ कि आज से हम ये एक निर्णय लें? ये मुझे ये शक्ति मिली थी कि मुझे निर्णय की शक्ति आज यहाँ पत्र जो बहन जी के द्वारा मुझे मिला था, मैं आज उस निर्णय की शक्ति से मैं यह निर्णय लेती हूँ कि आज मैं घर जाकर अपनी बेटी से कहूँगी, बेटा चाहे जैसे भी हो हालात, मैं हर पल हर वक्त दूंगी तुम्हारा साथ। क्या आप सभी से मैं यह उम्मीद रख सकती हूँ? अगर रख सकती हूँ तो या तो आप अपनी तालियों से या अपने हाथ पर करके इसका आश्वासन मुझे दिलाएं कि आज से हम अपनी बेटी को कम नहीं आंकेंगे, बेटे के तू ये समझेंगे और उसके मन की हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसका साथ देंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही थी रूपल जी की, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गृहस्थी है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, और अपने उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूँगी माननीय पायल नोयल जी, अध्यक्ष इनर विंग क्लब धमतरी। चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजार दीपक चाहिए एक
मेरी इनर टीम पहले आई है, तो पूनम मित्तल और अनिता मित्तल प्लीज एक बार आइए, मैं पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन पायल गोयल जी, बहुत सुंदर विचार कि हे नारी तू जग का सृजन हार, हे नारी तू जग का सृजन हार, तेरी महिमा अपरंपार। आज महिला दिवस हम मना रहे हैं, सृष्टि की सभी मातृ शक्तियों को बधाई बारंबार, बधाई बारंबार। और अपने शुभकामना संदेश के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय बहन डॉक्टर सरिता जोशी जी, आप सार्थक सचिव लायंस क्लब धमतरी फ्रेंड्स, सदियों तक याद रखे जमाना जिसे
सेवा की दास्तान बनना है हमें। और मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय नंदी सोनी जी को आमंत्रित करूंगी। वो महिला समाज की ओर से और महिला समाज के सभी सदस्य सामने आएंगे, बहन जी का सम्मान करना चाहती हूँ। ओम शांति। महिला दिवस के उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमें इस मंच पर बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। महिला समाज की तरफ से मैं भी सरिता बहन जी का स्वागत करना चाहती हूँ और महिला गुजरात की महिला मंडल की तरफ से भी आप सबों को सभी को शुभकामनाएं। आप सब बिल्कुल
होते ही सब पहुंचे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सब आ जाएंगे। अपने जीवन में कोई कम नहीं, जो भी कार्य क्षेत्र आपको मिला है उस कार्य क्षेत्र में आप अगर ईमानदारी के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए प्योरिटी को, पॉजिटिव थिंकिंग को आप अपने जीवन में लाते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, बहुत रॉयल अपना व्यवहार रखते हैं और साथ ही आप अपने जीवन को सादगीपूर्ण चलाते हैं। ये इंग्लिश के शब्द हैं हैप्पीनेस के और इसमें सारे अंग छिपे हुए हैं जो एक नारी के अंदर भी और नर के अंदर भी छिपे। मैं ऐसा समझती हूँ कि नारी सशक्तिकरण के साथ मुझे आत्मा सशक्तिकरण बोलना चाहिए। आत्मा की शक्ति को जागृत करना, जो आपको अष्ट शक्ति दी गई है ये फिजिकल पावर नहीं है, ये जो आठ शक्ति दी गई आप सबने जो गेम खेला है ये आत्मा की शक्ति है और जिसके अंदर आत्मा की शक्ति आ गई वो अपने जीवन में समाए। उसको किसी का भय नहीं, उसको किसी का डर नहीं है और उसका सारा कनेक्शन सर्वशक्तिमान के साथ है, उस आत्मा को कभी भय नहीं। एक लाइन हम गाते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके गांधी रोके, कुछ नहीं रोक सकता। रोकते ही हमारे अंदर का जो भय है, आत्मविश्वास की कमी है, मनोबल की कमी है, यह हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और जिस दिन हमारा मनोबल बढ़ गया कि दुनिया की कोई ताकत हमको किसी मंजिल तक जाने के लिए रोक नहीं सकती, हम सब केवल अंदर से कमजोर होते हैं। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन कीजिए आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और वो शक्ति सुख देने वाली है, कभी किसी को दुख नहीं देगी, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है मन वचन और कर्म। आप कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी किसी को दुख नहीं देना, क्यों? उसका परिणाम ये होता है दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है। ये सिद्धांत की बात, ये प्रैक्टिकल बात हमेशा अपने जीवन में लागू कीजिए। मैंने किसी को बहुत अच्छा दिया फिर भी उसकी ओर से थोड़ा गलत दिया है, होता है, हम कहते हैं ना मैं तो उसको इतना अच्छा करती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, फिर भी मेरे लिए पता नहीं क्यों करते। ये बहुत कार्मिक अकाउंट की बात है, इसे हम आज नहीं समझते, लेकिन ये हमारा कार्मिक अकाउंट है कि किसी को हमने इसके पूर्व जन्म में या कभी जाने अनजाने कुछ दिए होंगे वो लौट के हमारे पास बशर्ते कि हम अब उसको पॉजिटिव ही दें, नेगेटिव ना देने तो फिर एक कार्मिक अकाउंट बन जाए। इसीलिए माताओं के पास देने की पावर होती है और देने से जब खुशी होती है ना लेने से नहीं, इसलिए आप हमेशा देने की भावना रखिएगा। एक कहानी के रूप में आपको बताती हूँ। एक परिवार सर्द रात थी, बाहर बर्फ जैसी हवा चल रही थी, ठंड में ठिठुरन हो रही थी, पूरे घर के कमरे बंद कर रही थी। वो माता घर के पर्दे लगाने जा रही थी कि हवा आ रही, तो देखती क्या है बाहर खिड़की के बाहर तीन फकीर बहुत ठंड में ठिठुरे बैठे, बेचारे एक कंबल को लेकर बैठे, खूब ठिठुर रहे थे। उसको बड़ी दया आई, माताओं के अंदर दया होती, घर आकर पूछते, अंदर आकर पूछती कि तीन फकीर ठिठुर रहे हैं, ठंडी हवा है, रात भर कैसे करेंगे, एक ही कंबल है, उनको क्या होगा, क्या उनको हम बुला लें? तो सास ससुर कहते हैं कि बुला लो, सबने स्वीकार कर लिया बुला लो, बच्चों ने भी कह लिया बुला लो, पति ने भी कह लिया, बाहर गए। जब बाहर गए तो माता जाकर बोलती है कि आप लोग कौन है? तो एक कहता है मैं स्वास्थ्य हूँ, दूसरा कहता है मैं संपत्ति हूँ और तीसरा कहता है मैं प्रेम हूँ। अब हम तीनों में से एक ही आ सकते हैं, तो फिर बड़ी सोच में पड़ गई कि ये तो तीनों कहते हैं एक ही आएंगे, हम एक ही आएंगे, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। घर जाकर सास ससुर से कहते बेचारे बूढ़े अस्वस्थ थे, तो कहते हैं ऐसा करो ना स्वास्थ्य
डॉक्टर को बुला लो, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, दुआ मिल जाएगा। पति से पूछते, पति कहते, अरे धन की इतनी कमी है, आप संपत्ति को बुला लो ना, उसको बुलाएंगे तुम्हारी संपत्ति बढ़ जाएगी। पर बच्चे लोग खेलते रहते ना, वो कहते मम्मी प्रेम को बुलाओ ना, प्रेम को बुलाओ। तो बात तो बच्चों की मानी जाती है, वो जाकर प्रेम को बोलती, भाई मैं स्वास्थ्य और संपत्ति को तो नहीं कह सकती, प्रेम आ जाओ। जैसी वो प्रेम को बोलती है, तीनों के तीनों चल पड़े। कहती अरे आप तो एक आ रहे थे ना, अभी तक तो आप एक ही कहा था। वो कहते हैं बहन जी, जहाँ प्रेम होगा ना वहाँ स्वास्थ्य भी होगा और संपत्ति भी। क्या लेना है आपके पास? भरपूर है ना, भरपूर। माताओं के पास प्रेम भरपूर है, बच्चे को देती है, पति को देती है, परिवार को देती है। बांटती है कि नहीं बांटती? बदले में चाहती है, चाहती है, चाहती है। लेकिन जितनी अपेक्षा रखेंगे ना हम, उतने दुखी होंगे, होंगे ना। आप निस्वार्थ भाव से दे दीजिए, कोई स्वार्थ नहीं। आप निस्वार्थ भाव से दीजिए, आपका निस्वार्थ प्रेम आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जो देने में खुशी है वो लेने में खुशी, वो तो अपने आप। इसीलिए माताओं को प्रेम दया करुणा की मूर्ति समझते हैं। और ना शक्ति में कमी, ना वो प्रेम में कमी, ना बुद्धि में कमी है उसके पास, ना लक्ष्मी। घर में आती को बहू तो क्या बोलते, लक्ष्मी आई। बेटी आई तो क्या बोलते, लक्ष्मी आई। उसके बिना तो घर का संसार ही नहीं चलता। चलता है एक दिन नहीं चलता, एक दिन नहीं चलता। और कोई आकर कहने लगा तुम करती क्या हो। एक माता ने ऐसे किया, रोज पति को रिसीव करती थी, आते ही चाय बना के पिलाती थी, घर पूरा सेट करती थी, हर चीज तैयार करती थी। एक दिन वो सोचती है, मैं इतना करने के बाद भी क्या करती हूँ क्या तुम घर में। जब पति आया रिसीव नहीं किया, बैठी रही, बोली आज क्या बात हो गई, चाय बना के नहीं। बोले चाय दे दो। बोले बैठना है, चाय शक्कर दो, जाओ बना दो। कमरे में गया, पति देखता है, अस्त व्यस्त जो सुबह से जैसा पड़ा वैसे। बोले आज बात क्या है, क्या हो गया। बोले क्या हो गया। बोले आप ही तो कह दो करती क्या हो, मैंने आज कुछ नहीं किया। तो भाव क्या है, माताओं के पास बहुत भाव है, बहुत शक्ति है, बस अपेक्षा मत कर। समानता की बात हमारी बहन कह रही थी, रूपल बहन है ना, समानता की बात। बेटा बेटी में ये भेद हम ही लोग ले आते हैं, गलतियां भी करते कि नहीं करते। ये भेद बनाया भी हमने तो भेद मिटाएंगे भी हम, मिटाएंगे ना। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलने वाली, ये दुनिया बदलने वाली। परम पिता परमात्मा शिव आया है सृष्टि को परिवर्तन करने, इस कलयुग को सतयुग लाने के। ये कलयुग सतयुग में बदलेगा जब हम बदल जाएंगे। जब हम बदल जाएंगे, हमारे अंदर जितनी निकलता आएगी, जितना आपको मिला ना आनंद, खुशी, प्रेम, सहनशक्ति, क्या है ये सब हमारे अंदर की शक्ति है जिसको हम नहीं पहचानते। जिस दिन हम इनको पहचान लेंगे, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास भंडार है और उस भंडार को हम बांटना शुरू कर देंगे। सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कलयुग लाने में भी हमने अपना हाथ बटाया है, तो सतयुग लाने में भी हम सब अपना सहयोग देंगे। देंगे सब, देंगे ना। उसके लिए आपको 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आप अगर सेंटर पार्ट आकर आप 7 डेज कोर्स कर लीजिए, आधा घंटा निकालिए, आपके जीवन में सारी शक्तियां आना शुरू हो जाएगी। हमारी बहनें कहती हैं कैसे मैनेज करते हैं आप, कैसे प्रोग्राम करते हैं, और थकते भी नहीं। जब हमारे पास शक्ति होगी थकेंगे हम, थक सकते हैं, क्योंकि हमें उस परमात्मा से एनर्जी मिलती है मेडिटेशन करने से, और हम सब कार्य कर सकते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर 147 देशों में ये संस्था रेगुलर चलती है, और ब्रह्मा कुमारी बहने हर प्रकार की सेवा कर रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विंग की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे समाज, हर प्रकार की सेवा बहने कर रही है। क्यों कर रही है, उनको पता है हमें हर वर्ग को उठाना है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, हर वर्ग को उठाने की सेवा
ये बहने कर रही हैं और परमात्मा की शक्ति लेकर कर रही। ऐसी शक्ति परमात्मा से जब मिलती है, हमने जैसे पूजा अर्चना की शिवरात्रि के दिन, आप सभी उस शिव को याद कीजिए, हम सबका पिता है, वह हमें शक्ति देने के लिए आया है, हम केवल मांगते हैं और वो लुटा रहा है। वो लुटा रहा है, हम अपनी झोली फैलाते, बुद्धि रूपी झोली, तो उस परम पिता परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हर प्रकार की शक्ति और गुण जो हमारे पास है वो आते हैं और उसी आधार पर हम सारा कार्य करते हैं। तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। क्योंकि मैं बहुत टाइम नहीं लेती, क्योंकि और भी कार्यक्रम है, दो कार्यक्रम है, एक तो हमारे नवनीता में गीत गाएगी और एक नाटक है खुदा की खोज, कि उस परमात्मा को ढूंढ रहे और परमात्मा हमें आकर ढूंढ रहे हैं। बस 10 मिनट का नाटक होगा, वो आप सुन करके जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी सरिता जी। दूसरों को रोशन करने के लिए पहले खुद जलती है माचिस की तीली। दूसरों को रोशन करने से पहले खुद जलती है माचिस की तीली। वो जिंदगी क्या है इसमें सुख दुख के साथ नकेली आग बिचौली। तो हम सभी मातृशक्तियाँ हैं और सुख दुख जितना पुरुष झेलते हैं, मैं सोचती हूँ कहीं ज्यादा या बराबर तो कम से कम मातृ शक्ति भी झेलती है। और ऐसे समय में जब हम महिला दिवस मना रहे हैं तो अपने गीतों के साथ मैं ब्रह्मा कुमारी नविता बहन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी नविता बहन, और यदि सभागार में सरपंच गण यदि उपस्थित हो तो मंच तक आएंगे या खड़े होंगे समय पता चलेगा, यदि कोई सरपंच में आए होंगे। और सम्मान का भी क्रम चलता रहेगा। हमारे बीच एडजेक्ट फाउंडेशन से सेवती ध्रुव हमारी इटिया के नगर की एडजेक्ट फाउंडेशन की, उन्होंने जूडो में बेस्ट फाइटर्स 2023 का अवार्ड लिया है। हम सब बहुत 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 बधाई देते हैं और सेवती ध्रुव को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। और गीतों के साथ सादर आमंत्रित हैं ब्रह्मा कुमारी नविता जी। ओम शांति। आज महिला दिवस का आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी मैं सुन रही थी कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आखिर महिला का दूसरा जो रूप है वो है माँ, और माँ जो होती है वो हरेक को पालती पोसती सब कुछ करती है, लेकिन उन माँओं को बनाने वाली कौन है? तो हम सभी गायन करते हैं भगवान के लिए, तो मैं वो मातृश्य, तो भगवान को सबसे पहले माँ की संज्ञा दिया गया है। और वो माँ हमको क्या सुनाती है ये गीत के माध्यम से मैं आपको रखने जा रही हूँ। जिसमें मेरा जान हो ना हो रहा
दुनिया मुझे ऐसा अनोखा राज
क्यों मुझसे इतना दूर हो तो जब आया तुम्हारे पास हूं मैं। सर क्या ये सच में भगवान है? जी पूरे शहर में फैल जाओ, कोना कोना छान मारो, हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही है। आज तक इंसान के बिना भगवान को ढूंढते हैं, ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, बस एक पहेली। इट्स टाइम फॉर एक्शन, डिस्पर्स। जब चाहूं हर बात सुनूं, करनी तेरी सब देख सकूं, बस मेरे बस में है सब जब, सब में बस कर मैं क्या करूं? अरे ये रिडल तो समझ ही नहीं आ रही। तुम ये समझ ना पाए। उफ़
भजन सुनकर मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गया। आओ किशोरीला आओ। पंडित जी, मेरा जीवन प्रॉब्लम से घिर चुका है। हर चीज में असफलता मिलती है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। मैं क्या करूं, प्लीज कोई उपाय बताइए। किशोरीलाल, लगता है देव कुल की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है। हमारी बात मानो, तुम व्रत रखना शुरू करो। जी पंडित जी, जरूर आज्ञा दीजिए। ऐसा करो, मंडे को शिव जी का व्रत रखो, इससे इच्छाएं पूरी होगी। थर्सडे और फ्राइडे को माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का व्रत रखो, तो संपत्ति में वृद्धि होगी। जी पंडित जी। यू नो, संडे को सूर्य देव जी का दिन होता है, उस दिन फास्टिंग करने से समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, और ट्यूसडे को तो व्रत रखना बिल्कुल मत भूलना, उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। Got it. मैं तो राय दूंगा, वेडनेसडे और सैटरडे भी कुछ मत खाया करो, भगवान विष्णु और भगवान शनि प्रसन्न होंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी पंडित जी। चलो किशोरीला, अब मैं चलता हूँ, मेरे ब्रह्मा भोजन का समय जो हो गया है। लेकिन पंडित जी, अरे आपने तो सातों दिन का व्रत बता दिया, तुम्हें खाओ पका पंडित जी। क्या सोच रही हो बेटी? आप कौन है? मेरा नाम विवेक है। ये जो चौराहे पे पुरानी कुटिया है, वहां रहता हूँ। तुम थोड़ी परेशान दिखी, तो सोचा पूछ लूँ। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे बताओ ना बेटी, पंडित जी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकती है भगवान के बारे में? भगवान के बारे में है रंग भरे जिसने फूलों में और रूप दिया इंसान को, क्यों बांट दिया उसको धर्मों में, भूले उसकी पहचान को। ना सोचा अगर वो जन्मेगा, कर्मों के रंग में रंगेगा, मुक्त करे हमको कैसे थे, जब खुद काल चक्र में आएगा। हर धर्म न माने खुदा से, कर देव रूप वो धरता, ना मुमकिन वो है देवों में, विवेक यही है कहता। ना पत्थर काला ना लकीरें कोई,
वो लाल बिंदी में बीच की तुमसे मिलने को बेसबर काला पत्थर मतलब शिवलिंग लकीर कोई मतलब शिवलिंग के ऊपर जो तीन सफेद लकीर है लाल बिंदी में बीच की इसका मतलब ये भगवान का रूप एक बिंदी है